इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरीद अत्तारी हैं। मालूम ये करते हैं कि मज़ार शरीफ का तवाफ़ करना कैसा है और जो तवाफ़ करते हैं उनके लिए क्या हुक्म है, क्या तवाफ़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। असल में मज़ार पाक का, किसी भी मज़ार का बनियत ताज़ीम तवाफ़ किया जाता है, यानी ताज़ीम की नियत से तवाफ़ किया जाता है, जो कि नाजायज़ है। ख़ास खाने काबा ही का ताज़ीमन तवाफ़ किया जाता है, लिहाजा खाने काबा के सिवा किसी भी मज़ार का तवाफ़ करना ये जहालत है और नाजायज़ काम है। इससे बचना चाहिए और मोहब्बत के साथ जो ऐसा करते हैं उनको समझाना चाहिए, रोकना चाहिए कि इस काम से वो तौबा करें, इल्मे दीन हासिल करें और औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने का जो सही तरीका है उस तरीके पर अमल करते हुए हाजिर हों। तवाफ़ करना कोई उनकी ऐसी ख़ास ताज़ीम नहीं है या उनको इससे कोई ख़ास खुशी नहीं पहुँचती कि जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो तवाफ़ कर कर ये बताते हैं कि हम इनकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। औलिया अल्लाह हो उनके लिए साले सवाब करना चाहिए, उनके नाम से सदका व खैरात करने चाहिए, नेक काम में हिस्सा लेना चाहिए, कुरान खानी हो या गरीबों को खाना खिलाना हो, इस किस्म से अगर उनके नाम पे मामलात किए जाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये कि तवाफ़ किया जाए। और अगर मज़ारात औलिया में हाज़िरी देनी है तो उसके लिए दूसरे तरीके हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पर सर्च करें सिकंदर वारसी अबाउट मज़ार पर हाज़िरी देना, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी और उसमें तरीका भी मालूम चल जाएगा कि मज़ार पर हाज़िरी देने का क्या तरीका होना चाहिए। अलबत्ता तवाफ़ करना ये मज़ार का नाजायज़ है, चाहे किसी वली का हो या फिर अपने पीर व मुर्शिद का हो। पुरानी बात।